अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। तो ये हम लोग निकल चुके हैं भुवनेश्वर के लिए आज, और आज मैं अकेली नहीं हूँ, आज साथ में मेरी ननंद है और उनको वीडियो में आना नहीं था तो इसलिए मैंने उनका फेस दिखाया नहीं। तो एक्चुअली आज उनका चेकअप था डॉक्टर के पास, तो इसलिए हम लोग आए हैं ये हॉस्पिटल जो कि घर के पास में ही है। और चेकअप के बाद एक्चुअली आज कुछ काम नहीं है, बस इसका चेकअप के लिए हम लोग आए थे। देन उसके बाद थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे फिर घर जाएंगे। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ और देखिए आज का दिन कैसा गुजरता है। सो फ्रेंड्स, आफ्टर चेकअप वी वेंट टू द गैलेरिया मॉल जो कि कल्पना स्क्वायर में पाया जाता है, और बहुत ही उम्दा बहुत ही सुंदर मॉल है ये। और मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि ये जो ननंद मेरे साथ में आई है ये मेरी इकलौती ननंद है, और जो है एक इनका शादी नहीं हुआ है, वो चाची की बेटी है और वो साथ में रहती है हम लोग के। और ये मेरी एक ही ननंद है, और ये अभी कुछ ही दिन हुआ इनका न्यूली मैरिड हुआ है। और आप सोच रहे होंगे कि इनके हस्बैंड कहाँ हैं, मैं बता दूं कि इनके हस्बैंड अभी फ़िलहाल नहीं रहते हैं यहाँ पे, वो जॉब करते हैं सऊदी में और वो जा चुके हैं सऊदी। सो फ्रेंड्स, मैं बता दूँ कि ये जो मॉल में आई हुई ये मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पर आना, और यहाँ पे जो सारा मटेरियल्स है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और कुछ सामान मुझे पसंद आए, मतलब कि कुछ ड्रेसेस मुझे पसंद आए जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थे फ़िलहाल के लिए, और मैंने उसको चॉइस करके रखा भी है कि मेरे हस्बैंड जो आने वाले हैं कुछ ही दिनों में, वो आने के बाद हम लोग फिर से आएँगे यहाँ पर और तब हम लोग लेंगे यहाँ पर। और इस मॉल में कलेक्शंस भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे, मतलब कोई भी चॉइसफुल ना हो ऐसा कोई बात नहीं था, हर चीज़ आपको पसंद आ रहा था वहाँ पे। और यहाँ के इंटीरियर्स आप देखें ज़रा, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया है यहाँ पे जो इंटीरियर्स हैं। और इस इंटीरियर्स की वजह से हम लोग ने कुछ टाइम स्पेंड किए और थोड़ा रेस्ट किए वहाँ पर, और आप देखिए कि कितना खूबसूरत लगाया हुआ है इस मॉल पर। ये आप देख सकते हो कि ये राजस्थानी कलेक्शंस हैं जो कि आप ऑकेजनली पहनते हैं, जैसे कि नवरात्रि हो जाए, पूजा वगैरह हो जाए, दिवाली वगैरह, ये सब ओकेज़न में आप पहन सकते हो। और यहाँ पे कलेक्शंस देखिए ज़रा इन सभी की, बहुत ही ज़्यादा मतलब खूबसूरत है, और मतलब बिल्कुल ब्यूटीफुल जिसे हम लोग बोलेंगे वही सामान सारा यहाँ पे मिलता है। और आप चाहो तो यहाँ पे हर तरह के कलेक्शंस अवेलेबल है, आप इसे चॉइस कर सकते हो, ले सकते हो, एंजॉय कर सकते हो एज़ पर यू। और ये वो जगह है जहाँ पे लोग ज़्यादातर आते हैं फ़ोटोशूट्स के लिए, और ये है टॉप फ्लोर जो कि फोर्थ फ्लोर में रहता है, मतलब 20 मॉल का फोर्थ फ्लोर में है, और यहीं पर ही लोग ज़्यादातर आते हैं पिक्चर्स क्लिक करने के लिए। देख सकते हो आप कितना ज़्यादा खूबसूरत, मुझे ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगा, ये जो ऊपर जो रिंग बॉल्स लगा हुआ है लाइट्स के, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और कभी आप अगर भुवनेश्वर में रहते हैं तो ज़रूर इस मॉल को विज़िट करें और इन्जॉय करें। तो फ्रेंड्स, घूमने के बाद हम लोग ने थोड़ी देर रेस्ट किए, और फिर हम लोग ने फ्राइड मोमोज मंगवाए और उसे टेस्ट किया, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी था यहाँ का मोमोज। और जहाँ पे फूड जोन है, मतलब कि टॉप फ्लोर जो कि फोर्थ फ्लोर में है, उसी के फ्रंट में गेमिंग जोन भी है जो कि किड्स के लिए, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्यारा है। और वहाँ पर हम लोग गए और ये देख सकते हैं कितना क्यूट सा टॉयज़ वहाँ पे मिलते हैं, बहुत ज़्यादा क्यूट खिलौने वहाँ पे मिलते हैं। और बच्चों का गेमिंग जोन तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है माशाल्लाह, कभी मैं अपने बच्चों को भी लेकर जाऊँगी वहाँ पे और आप सबको फिर से दिखाऊँगी कि इस जगह का माहौल कैसा बन जाता है जब बच्चे वहाँ पर इंजॉय करते हैं। तो सो फ्रेंड्स, दिस वॉज द प्लेस विच आई एम टॉकिंग अबाउट, ये आप देख सकते हो कि ये गेमिंग जोन कितना ही प्यारा लग रहा है, और यहाँ पे किड्स और एडल्ट दोनों ही यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, खेल सकते हैं। टिकट सिस्टम है यहाँ पे, आप वैसे देकर टिकट कलेक्ट कर आप टिकट देकर आप खेल सकते हो कोई भी गेम यहाँ पे। यू कैन सी हियर, ये बहुत ही अमेजिंग है और स्पेशली किड्स लोग के लिए, जबकि बच्चे अगर यहाँ पे आएंगे तो ये सारा लाइट्स वगैरह, ये इतना सारा गेमिंग गेम्स सारा देख के ऑब्वियसली हर बच्चे खुश होता है, खुश हो जाते हैं। तो
आई होप कि मैं भी अल्तमश और आयत को यहाँ पे लेकर आऊँ, और वो तो अभी बहुत ही छोटे हैं, खेल नहीं पाएंगे ये सारा खेल, लेकिन फिर भी एक बार उनको यहाँ पे ज़रूर लाऊँगी। और ये वाला जो गेम है ये मुझे सबसे ज़्यादा क्यूट लगा और बहुत ही प्यारा लगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे टॉयज़ और साथ में चॉकलेट्स भी रखा हुआ है, बिकॉज़ जो भी बच्चे इसको पार्टिसिपेट करेंगे और खेलेंगे उनको यहाँ पे जो चॉकलेट्स हैं वो गिफ्ट के तौर पे मिल सकता है। तो ये सीरियसली स्पीकिंग ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगा मुझे, बहुत ही प्यारा लगा। सो फाइनली ये हमारा लास्ट मोमेंट है जब हम लोग मॉल से निकलते हैं बाहर, और मेरी ननन जो है वो अपने घर चली जाती हैं और मैं जो अभी अपने अम्मी अबू के घर रुकी हुई हूँ और मैं वहीं पे रुक जाती हूँ। अरे वाह अंतमश, आज पुलिस बन के बैठे हैं। पुलिस कौन बना है? तो फ्रेंड्स, आप सबके लास्ट वीडियो से पता चला होगा कि मेरे भाईजान भाभी जो हैं जब से उनका घर ओपनिंग हुआ था तभी से वो जब यहाँ पे आए थे छोड़ने के लिए और यहीं पे रुक गए थे, तो आज वो लोग सब जाने वाले हैं शाम को। तुम्हें अम्मी को कितना मिस किया, मिस किया अम्मी को, अम्मी को मिस किया। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। क्या स्टडी किया आप? आप स्टडी कर रहे थे ना? क्या कर रहे थे? बोलोगे नहीं? मैं भी बोली, आपके डैडी हैं, दादा जान हैं, दादी माँ हैं, सबको ही है। बोलिए क्या स्टडी कर रहे थे आप? अच्छा, आपको फाइव फ्लावर्स का नेम पता है? फाइव फ्रूट्स नेम बताओ। नो फाइव फ्रूट नहीं, बाइक पापा ही नहीं क्या? बाइक फाइव फ्रूट्स नेम नहीं है? नहीं, बाइक चिप्समैन। इसका पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है। क्यों रो रहा है? अलतमा शुरू हो क्यों रहा है? हाँ, अभी जा रही है घर से। अभी का शूज कहाँ है? अभी शूज कहाँ है? बाय बाय अलतमा। आया जो है अभी जा रही है, इसलिए अल्तमस भाई का मूड ऑफ है। ये देखो अल्तमस, इधर देखो अभी जा रही है। हाँ तो बाय बाय बोलो। बाय बाय। हग करो आया, अल्तु भाई को हग करो।